जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बच्चों के एग्जाम जो है बिल्कुल स्टार्ट हो गए हैं, कुछ बच्चों के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और पेरेंट्स जो है उनकी वजह से बहुत परेशान है कि किस तरीके से हमारा बच्चा अच्छे नंबर ले सकता है और किस तरीके से हमारे बच्चे के बहुत बेहतरीन नंबर आ सकते हैं और किस तरह वो अच्छा पेपर दे, बहुत ही अच्छा पेपर दे और टाइम पे दे, हर चीज उसकी परफेक्ट हो। तो उसको परफेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे मैं आपको इतने अच्छे मेथड्स बताऊंगी कि जिसके जरिए आपके बच्चे का पेपर जो है इन टाइम और बहुत अच्छा और राइटिंग हर चीज उसकी बेहतर हो सके। तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने टेंशन नहीं लेनी और अपने बच्चे को भी टेंशन नहीं देनी और रिलैक्स हो जाएं। रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। जब हम लोग उसको बहुत ज्यादा अपने सर पे बर्डन ले लेते हैं तो क्या होता है कि जो आता भी होता है वो भूल जाता है, पेरेंट्स ज्यादा टेंशन में होते हैं, बच्चा ज्यादा टेंशन में होता है। तुम्हारे एग्जाम्स हैं, ये आपने नहीं करना। जस्ट रिलैक्स, एग्जाम्स हैं, हाँ ठीक है। अब उसको कैसे करना है, उसको लाइटली लेना है कि ताकि बच्चे के दिमाग में हमने टेंशन नहीं पैदा करनी, उसको बर्डन नहीं डालना, उसको टेंशन लेने की आदत नहीं डालनी, उसको सिखाना है हमने अभी से कि सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं। एग्जाम्स है ना, कोई नहीं, तुम बहुत अच्छे दोगे। उसका आपने क्या करना है, उसको ना मोटिवेशन देनी है कि मेरा बेटा बहुत अच्छे एग्जाम्स करेगा, मेरी बेटी बहुत अच्छे नंबर लेकर आएगी, मेरी बेटी सब कुछ कर सकती है, मेरा बेटा सब कुछ कर सकता है। तो इस तरह का आपने मोटिवेशन जो है ना उसको देनी है। सेकेंड में आप लोगों ने क्या करना है कि बच्चे की जो राइटिंग पावर है ना उसको तेज करना है, उसकी लिखने की स्पीड तेज होनी चाहिए। अब लिखने की स्पीड के लिए हम लोग क्या करें, उसके लिए मैंने एक तो बहुत अच्छे एपिसोड मेरे अपलोड हुए हुए हैं। एक तो है बच्चे की पेंसिल होल्डिंग कैसी है, ये बहुत मैटर करता है, उसका आप लोग एपिसोड देख सकते हैं, राइट वे ऑफ पेंसिल होल्डिंग। और सेकेंड उसमें है, मैंने एक और डाला हुआ है कि अपने बच्चे को बेहतर लिखना कैसे सिखाएं, तो वो भी उसके दोनों के लिंक में शेयर कर दूंगी, आप उसके जरिए जाके देख सकते हैं। लेकिन ये दोनों चीजें बहुत मैटर करती हैं, बच्चे के लिखने की स्पीड ऑफ पावर अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, उसके लिए हम लोग एक और मैं आपको मेथड बताती हूँ कि आपने बच्चे की राइटिंग की स्पीड तेज कैसे करनी है। आप लोगों ने क्या करना है, आपने अपने बच्चे के घर में जब टेस्ट लेंगे ना रोजाना के बेसिस पे, तो आपने उसको टाइमिंग देनी है। टाइमिंग इस तरह देनी है कि मैं आपको इतना टाइम दूंगा, 15 मिनट दूंगी, 10 मिनट दूंगी, तो आपने उसमें कितना लिखा है, आपने उसको कोई क्वेश्चन दिया, उसके क्वेश्चन के हिसाब से आपको लगता है कितना टाइम इसके लिए इनफ है, तो आप उतना टाइम उसको दे दें जितना आप समझते हैं। और उसके बाद उसके आप पेपर ले लें, जो आपने टेस्ट दिया है वो वापस ले लें कि इतना लिखा है। तो इस तरह क्या होगा, बच्चे की स्पीड तेज हो जाएगी उसकी। तो ये आपने लाजमी करना है, बच्चे की स्पीड तेज करनी है और राइटिंग पावर भी, कि उसकी राइटिंग बेहतर भी हो। ये ना हो कि वो स्पीड में लिख रहा है लेकिन राइटिंग उसकी बहुत गंदी है। तो उसको राइटिंग को बेहतर किस तरह बनाना है, आपने उसको कहना है कि देखो इतने टाइम में राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो ट्रायल बेसिस जब हर रोज होगा तो क्या होगा कि बच्चे की राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी और बच्चे की राइटिंग स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। सेकेंड आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने बच्चे को उसके बाद ये बताना है, टाइमिंग होगी और अब हमने क्या करना है कि बच्चे को याद रहे जो उसने याद किया है। मतलब क्वेश्चन करने गया बच्चा वहां पर, पेपर करने गया और पेपर जाके देखा तो क्वेश्चन वो भूल गया, ब्लैंक हो गया, या उसको आता ही नहीं था, या अभी वो लिख रहा था तो उसको भूल गया। तो उसके लिए क्या करना है, आपने उसको बच्चे को उसी वक्त समझाना है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपने थोड़ी देर के लिए वो क्वेश्चन छोड़ देना है। आप लिख रहे हो, आपको भूल गया, आपको पता होगा कि इतनी लाइन्स में क्वेश्चन आ सकता है, आप इतनी देर में दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, उसको छोड़ दो, ना कि उसके ऊपर बैठ के टाइम वेस्ट करो। आपने क्या करना है कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना शुरू करना है, और जो पीछे आपका रह गया है, जब वो वाला क्वेश्चन आपको हो जाए, आपको लगे कि नहीं मैं उसको लिख सकता हूं, आपके दिमाग में आ जाता है। ऐसा नहीं होता, कोई चीज जो होती ना बीच में दिमाग में ना खलल डाल रही होती है, तो थोड़ी देर हम उसको जब छोड़ देते हैं तो हमें रिपीट में याद आ जाती है। ये साइकोलॉजी का बहुत अहम वो है कि अगर आपको कोई चीज मिल नहीं रही है, आप घर में भी ढूंढ रहे हैं, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, थोड़ी देर बाद आपका दिमाग खुद ही प्रोसेस करने लगता है और आपको वो चीज याद आ जाती है, मैंने रखी कहा थी। इसी तरह आपने बच्चे को कहना है कि आप थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन छोड़ दें, क्वेश्चन छोड़ने के बाद आपने क्या करना है कि थोड़ी देर बाद फिर आपको याद आ जाएगा तो आप जाके लिख लें। और अगर आपको एंड पे आपको जब तक याद नहीं आता, एग्जाम खत्म हो गया है, तो आपने क्या करना है, आपने वहां पे जाकर उसको अटेम्प्ट कर लेना, अपने पास से लिख दो, लेकिन लिख के जरूर आना है, पेपर खाली नहीं देना, जो लाइन रह गई है उससे रिलेटेड जो आपके माइंड में आप लिख दो, लेकिन इनफ जरूरी है ये बहुत ज्यादा कि आपने उसको लिख कर आना, छोड़ के नहीं आना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बच्चे की राइटिंग टाइमिंग होगी, उसको याद करके लिखना हो गया, बेहतरीन लिखना हो गया, उसके बाद चेकिंग आती है।
बाद लास्ट में आपने क्या करना है, बच्चे को कहना आपने चेक करना है, चेक आपने घर में ही उसको कैसे आदत डालनी है, ये आदत आपने घर से डालनी है। जब आप उसका रोज उसका टेस्ट लेंगे तो आप लोगों ने क्या करना है कि बच्चे से कहना है कि आपने चेक करना है कि आपकी कोई गलती तो नहीं है। इसमें छोटे बच्चे बहुत गलती करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं जो स्टार्ट बिगनिंग के बच्चे होते हैं, और स्पेलिंग की मिस्टेक्स होती हैं, साथ साथ उनको क्या होता है कि बी को डी को बी बनाया होता है, जे का मुंह जो होता है वो उल्टा किया होता है, और बच्चे को पी का मुंह उल्टा किया होता है, तो उनकी जो उनको नहीं पता चलता, वो इस तक लिखती है जो माइंड में आया, बाद में उनको को एक दफा आपने चेक करना है आपने सही लिखा है, कि आपने घर से उसको आदत डालनी है। उर्दू के अलिफ बे के नुक्ते अमूमन उनके गलत होते हैं, तो आपने क्या करना है, उनको कहना है कि आपने एक दफा चेक करना है, पहले चेक करो और फिर आपने मुझे पेपर देना है। तो बच्चा उसको चेक करेगा और फिर वो आपको पेपर देगा, और तो उसके बाद आपने उसको फिर चेक करना है कि आप सेटिस्फाइड हो, आपने सही किया, हाँ मैंने सही किया, अच्छा ठीक है मुझे चेक कराओ। इस तरह बच्चे को घर से आदत पड़ जाएगी, जब घर से आदत पड़ेगी तो एग्जाम में भी जाएगा तो लाजमी एक दफा चेक करके टीचर को पेपर देगा। छोटे बच्चे की भी टाइमिंग आपने तेज करानी इस तरीके से टेस्ट की, छोटा हो बड़ा हो सब पे ये रूल्स अप्लाई कीजिए और आपके बच्चे के पेपर बहुत अच्छे होंगे, इंशाल्लाह उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और बाकी एक चीज मैटर नहीं करती कि बच्चा फर्स्ट आए सेकंड आए, बच्चा पास हो जाए अच्छे नंबर लेकर आ जाए, ये सबसे बड़ी चीज होती है और आप लोगों की मोटिवेशन, और इंशाल्लाह वो आगे फिर इस तरह बहुत ज्यादा तरक्की करेगा।